फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ फ्रॉक, जो 1, 2, 3 इयर्स बेबी गर्ल्स के लिए है। और इस तरह से मैंने इसका नेक बनाया, कॉलर बनाया और इस तरह से बटन लगाए मैंने। और ये स्लीव्स में मैंने इस तरह से पैटर्न डालना है और फ्रॉक में मैंने पैटर्न ये वाला डाला है। और इसकी जो बैक साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से है। और बनाने में बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बन करके रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स, ये मैं सेट बना रही हूँ, इसके साथ पैजामी और कैप भी मैंने बनानी है और उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। अब मैं आपको इसकी लेंथ ब्रेड्थ बता देती हूँ। पहले मैं बताती हूँ स्लीव की लेंथ, ये 11 इंचेस है। और इसका जो चेस्ट साइज है वो भी 11 इंचेस है चेस्ट साइज। और इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ ये 16 इंचेस है टोटल लेंथ। और यहाँ तक ये है, ये 11 इंचेस, ये देखिए 11 इंचेस है यहाँ तक। और 5 इंचेस ऊपर हमने शोल्डर बनाया है इसका। और ये मैंने इस तरह से इसकी शोल्डर कटिंग जो है 3-2-1 की है। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट की 3 पार्ट्स में वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम ये बॉर्डर पैटर्न और ये पैटर्न बनाएंगे। और सेकंड पार्ट में इसे फर्स्ट साइड जो है फ्रंट साइड, इसको कंप्लीट करेंगे। और थर्ड पार्ट में हमने बैक साइड, इसकी स्लीव्स और इसका कॉलर्स जो है वो बनाएंगे और इस फ्रॉक को कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आज हमारी है पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हमने यहाँ से आगे स्टार्ट करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और फ्रेंड, इसकी पार्ट 1 वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये 2 कलर यूज़ करेंगे। और ये वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल है और इसका शेड नंबर है 82। और ये भी सेम वूल है, वर्धमान बेबी सॉफ्ट, और इसका शेड नंबर है 11 नंबर। और इसके लिए निटिंग नीडल यूज़ करेंगे हम 10 नंबर। तो चलिए बनाते हैं इसे। फ्रेंड, देखिए पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको ये बॉर्डर पैटर्न और ये वाला पैटर्न बनाना बताया था। और इतनी साइड्स हमने दोनों बनानी थी। और ये मैंने जो 8.5 इंचेस ये बनानी है। और इसके बाद अब हमने इसकी जाली बनानी है, जो ऊपर से डोरी डालने के लिए वो जाली वाली रोज़ जो हैं वो बनानी है। तो चलिए आज हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब फ्रेंड, देखिए ये 5 पैटर्न्स, 1 to 16 रोज़ मैंने 5 टाइम्स रिपीट की है। और उसके बाद ये मैंने नेक्स्ट रो, जो एक और नेक्स्ट पैटर्न की एक रो और बना ली है राइट साइड से, क्योंकि अब मैंने कलर चेंज करना है तो कलर मैं रॉन्ग साइड से चेंज करूँगी। अगर आप रेड कलर को ही कंटिन्यू करना चाहते हो तो इस रो की जगह भी आप उल्टी रो बना सकते हो, उल्टे फंदों की, जो मैंने सीधी साइड से पैटर्न की रो बनाई है। लेकिन मैंने कलर जो है क्रीम कलर से आगे बनाना है, तो इसलिए मैं ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट करूँगी। और अब यहाँ पर हम इसको रो 1 काउंट कर लेते हैं, रो 1 रॉन्ग साइड से पर्ल ऑन द स्टिचेज। और कलर हम क्रीम लगाएंगे, कलर बी। तो सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। रो 1 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाए। अब रो 2 है राइट साइड से। अब हमने ये सारे 2 का 1 2 का 1 करते जाना। अब हम यहाँ पर स्टिचेस कम करेंगे तो उल्टे फंदे बनाएंगे, 2 का 1, पर्ल 2 टुगेदर, इस तरह से 2 का 1 करते जाएंगे, पर्ल 2 टुगेदर, 2 का 1 करेंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह अब रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हम 2 का 1 2 का 1 करते गए, अब हमारे पास आधे स्टिचे रह जाएंगे। अब लास्ट में देखिए रो 2 है राइट साइड से, और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और लास्ट में 1 स्टिच रह गया, इसे उल्टा बना लेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 133 स्टिचेस थे
और अब यहाँ पर टू का एक करते करते लास्ट में एक स्टिच रह गया क्योंकि हमारे स्टिचे ऑड नंबर में थे। अब हमारी रो है थर्ड रॉन्ग साइड से, ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, अब हमने जाली बनानी है, होल्स बनानी है यहाँ पर, और अब ये रो हमारी है फोर्थ राइट साइड से, दो फंदे सीधे बनाएंगे, नेट टू। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, थ्रेड आगे लाएंगे, दो का एक करेंगे, इस तरह से तीन फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री, ये रिपीट करते जाएंगे, यार्न ओवर, निट टू टुगेदर, निट थ्री, अगेन यार्न ओवर, थ्रेड आगे लाएंगे, फंदा सीधा बनाएंगे, यहाँ पर ये सॉरी थ्रेड आगे लाएंगे, दो का एक करेंगे, या इस तरह से यहाँ पर जाली बन जाएगी, एक फंदा बढ़ जाएगा, दो का एक करेंगे, एक फंदा कम हो जाएगा, यार्न ओवर, निट टू टुगेदर, निट थ्री, तीन फंदे बनाएंगे सीधे, यही हमने रिपीट करते जाना। अगेन थ्रेड आगे लाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। तो इसी तरह ये रो बनाएंगे, रो में एंड में हम मिलते हैं। अब फोर्थ रो के एंड में देखिए, यहाँ पर मैंने ये जाली बनाई, दो का एक, फिर तीन फंदे सीधे बनाए, रिपीट पैटर्न यहाँ पर ओवर होता है। उसके बाद थ्रेड आगे करेंगे, ये तीन स्टिच रह गए, दो का एक करेंगे इस तरह से, और लास्ट में वन स्टिच है, इसे हम सीधा बना देंगे। अब हमारी रो फिफ्थ रॉन्ग साइड से, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिच, ये वाला जाली वाला फंदा इस तरह से बनाएंगे, अगेन देखिए जाली वाला फंदा ये है जो यार्न ओवर किया, इसको इस तरह से बना देंगे। अब ये हमारी रो है फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, तीन रोज हम उल्टे उल्टे फंदों की बनाएंगे, पर्ल रोज बनाएंगे, थ्री फाइव सिक्स और सेवन रोज, तीन रोज उल्टी उल्टी बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरह से बन गया हमारा, ये हमारी रोज थ्री उल्टी उल्टी मैंने बनाई और इस तरह से जाली बन गई। अब ये देखिए, अब हमारी यहाँ तक क्रीम कलर की सेवन रोज कंप्लीट हो गई। अब रो एट्थ राइट साइड से, निट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बनाने हैं, इस तरह से सारे फंदे सीधे बना करके ये रो राइट साइड से कंप्लीट कर लेंगे। अब एट्थ रो देखिए, ये सीधे फंदों की बनाई। अब नाइन्थ रो है रॉन्ग साइड से, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, इस तरह से उल्टे फंदे बनाएंगे। और अब हमने इसी तरह बनाते जाना, सीधी उल्टी रोज, एट और नाइन रोज रिपीट करते हुए 14 रोज और बनाएंगे, मींस अब हमने 16 रोज कंप्लीट करनी है। एक तरफ सीधी तरफ से सीधी रो बनानी है, उल्टी तरफ से उल्टे फंदों की रो बनानी है, तो अब 14 रोज और बना लेंगे हम, 8 और 9 रो रिपीट करते हुए, तो 16 रोज कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये 8 और 9 रो रिपीट करते हुए ये मैंने 14 रोज और बनाई है, मीन्स स्टॉकिनेट स्टिच की, सीधी उल्टी सिलाई की ये मैंने बनाई है 16 रोज, और 7 हमने यहाँ पर बना ली थी, तो अब हमारी टोटल यहाँ से क्रीम कलर की 23 रोज बन गई। और अब मैं ये बता देती हूँ कि ये कितना बना है हमारा, तो देखिए ये 2.5 इंचेस है और टोटल ये हमारा 8.5 इंचेस था, तो अब ये देखिए यहाँ पर ये 11 इंचेस हो गया टोटल लेंथ। अब हम इसकी शोल्डर कटिंग करेंगे और इसे हम बनाएंगे फ्रंट साइड। तो यहाँ पर पहले हम ये 3 स्टिच डिक्रीज करेंगे और ये रो हमारी रहेगी राइट साइड से 24th रो, और
अब तीन फंदे हमने करने हैं डिक्रीज, टू एंड थ्री, और अब ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ये ऐसे ही बनाते जाएंगे, नीट ऑल द स्टिचेस। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब रॉन्ग साइड से है 25th रो, अब भी हम यहाँ पर थ्री स्टिच डिक्रीज करेंगे। वन टू एंड थ्री। फ्रेंड देखिए, अब हमने यहाँ पर थ्री स्टिच डिक्रीज कर लिए और ये हमारी 25th रो रॉन्ग साइड से। और फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर पट्टी बनानी है, बटन पट्टी। तो यहाँ पर मैंने मार्कर लगाए हैं। कैसे लगाए हैं देखिए, हमारे पास यहाँ पर टोटल थे 67 स्टिचेस। 67 में से थ्री इधर से हमने डिक्रीज किए, थ्री इधर से, तो सिक्स स्टिच डिक्रीज हो गए। तो 67 माइनस सिक्स, हमारे पास यहाँ पर रह गए 61 स्टिचेस। और 61 में से 7 मैंने बटन पट्टी के निकाल दिए, तो 61 माइनस 7 54 का हाफ इधर कर दिया, हाफ इधर कर दिया। अब 54 का हाफ 27 27। तो अब हमारे ये स्टिचेस कैसे हैं, 27 7 27। तो अब हम स्टिचेज इधर से बनाएंगे तो यहाँ तक ही बनाएंगे, इस मार्कर तक। तो पहले हम ये बना लेते हैं, ये वाला स्टिच तो हमारा बन चुका है। अब ये हम पर्ल वाइज बनाएंगे अप टू मार्कर। पहले हम फर्स्ट मार्कर तक बनाते हैं, अब ये मार्कर तक स्टिचेस मैंने बना लिए। अब देखिए, ये वाले 7 स्टिचेज है तो इनमें से 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बना लिए। अब हम थ्रेड बैक साइड करेंगे, इस स्टिच को स्लिप करेंगे, एज स्टिच बनाएंगे इसे। अब यहीं से हम टर्न करेंगे, ये हमारी है 25th रो राइट साइड से। तो ये वाले हमने जो 7 स्टिचेज है ये उल्टे बनाने हैं। ये 7 स्टिच उल्टे बनाए और ये वाले स्टिच जो है ये हमने सीधे बनाने हैं। ये हमारी 7 स्टिचेस की बटन पट्टी चलती जाएगी। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। 26th रो राइट साइड से कंप्लीट हो गई हमारी, अब है 27th रो रॉन्ग साइड से। अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं, ये शोल्डर इस तरफ से हम कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से शोल्डर जो है डिक्रीजिंग कर रहे हैं। तो ये 2 स्टिच डिक्रीज हो गए। अब हम यहाँ तक एक स्टिच रहने तक सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब फर्स्ट मार्कर तक बना लिए, लेकिन हमने सेकंड मार्कर तक बनाने हैं इस तरह से। ये और लास्ट वाला स्टिच हम थ्रेड बैक साइड करके इसे स्लिप करेंगे। अब इस मार्कर को रिमूव कर देंगे क्योंकि अब हमें पता चल जाएगा कहाँ से हमने टर्न करना है। और अब हमारी है 28th रो राइट साइड से। तो ये फर्स्ट 7 स्टिचेस तो उल्टे बनानी है, अब देखिए ये मार्कर भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अब हमें पता चलने लग गया ये वाले उल्टे फंदे हैं और ये हम सीधे फंदे बनाएंगे नीट। और तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब रॉन्ग साइड से 29th रो, अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है, डिक्रीज 1 पर्ल और 1 स्टिच रहने तक, यहाँ तक हम ये सारे स्टिचे उल्टे बनाएंगे। अब 29th रो के एंड में है तो ये बटन पट्टी वाले भी हमने उल्टे ही बनाने हैं, ये दोनों तरफ से उल्टे बनाने हैं। अब हमारा ये लास्ट 1 स्टिच रह गया, इसे हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से। अब हमारी 30th रो राइट साइड से है और अब हम ये फंदे 7 उल्टे बनेंगे, पर्ल 7, 1 2 3 4 5 6 7।
अब इसके बाद ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे, नीट ऑल द स्टिचेस। और फ्रेंड्स ये इसी तरह हम बनाते जाएंगे, अब हम कोई डिक्रीजिंग नहीं करेंगे। ये यहाँ पर हमारी डिक्रीजिंग 3, 2, 1 की ओवर हो गई, और इधर हम ये 7 स्टिच उल्टे बनाते जाएंगे दोनों तरफ से, और एक एज स्टिच बनाएंगे उल्टी सिलाई पर। ये हम 6 फंदे उल्टे बना करके एक को हम स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे, और ये वाले फंदे जो हैं ये सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे बनाते जाएंगे। थोड़ा सा बना लेंगे उसके बाद हम नेक डिक्रीज करेंगे। तो ये मैं नेक डिक्रीजिंग तक बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने इतना बना लिया, पहले 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 स्ट्राइप्स इस तरह से उल्टी उल्टी धारियाँ जो दिखाई दे रही हैं, ये 5 बनाने के बाद रॉन्ग साइड से मैंने बटन होल बनाया। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्ट्राइप्स बन गई। अब हमारी 9 स्ट्राइप्स के बाद ये रॉन्ग साइड से रो है, और अब हमने यहाँ पर बटन होल बनाना है। तो ये बटन पट्टी के 7 स्टिचेस हैं, ये तो हमने सारे उल्टे स्टिचेस बना लिए। और अब बटन होल मैंने कैसे बनाया, 2 फंदे उल्टे जो 7 बटन पट्टी के स्टिचेस हैं, 2 उल्टे, फिर यार्न ओवर थ्रेड ऐसे रैप करेंगे और 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर पर्ल टू टुगेदर, 2 का 1, 2 फंदे उल्टे, पर्ल टू, 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, स्लिप 1, जैसे हम करते आ रहे हैं। ये हमारा बटन होल बन गया। अब 7 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, पर्ल 7, निट ऑल, उसके बाद सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ये वाले जो सीधे फंदे सीधे बना लेंगे, रॉन्ग साइड से उल्टी रो बनाएंगे रॉन्ग साइड से, और फिर हम आगे नेक डिक्रीज करेंगे। तो रॉन्ग साइड से रो बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाए, लास्ट वाला स्लिप किया, और अब राइट साइड, अब राइट साइड से ये रो बनाएंगे, पर्ल 7, बटन पट्टी के स्टिचेस उल्टे बना लेंगे, और उसके बाद सारे फंदे सीधे, नेट और। तो ये रो मैं बना लेती हूँ, और उल्टी तरफ से भी रो बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब रॉन्ग साइड से रो ये मैं उल्टी बना रही हूँ, सारे फंदे उल्टे, और लास्ट वाला हम स्लिप करेंगे। अब हम थ्रेड बैक साइड ही रखेंगे, और अब देखिए इस तरह से बन गया। अब हमारी टोटल जो स्ट्राइप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 हो गई। अब हमने नेक डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है, और इसे हम रो 1 काउंट करेंगे, रो 1 राइट साइड से, और यह हम जो बटन पट्टी के स्टिचेस हैं ये बाइंड ऑफ करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज 7, बटन पट्टी के सारे स्टिचेस हमने करने हैं। अब देखिए ये हमने 7 स्टिचेस बाइंड ऑफ किए। अब इसके बाद निट और, ये सारे फंदे सीधे बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड से रो 2, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर ऑल द स्टिचेस। इस रो में हम डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, और इस साइड डिक्रीजिंग करते हुए हम जो शोल्डर की डिक्रीजिंग है वो रॉन्ग साइड से रो बनाते हैं तब करते हैं, और नेक की डिक्रीजिंग जब हम राइट साइड से रो बनाते हैं तब करते हैं। अब है रो 3rd राइट साइड से, अब हमने 4 स्टिच डिक्रीज करने हैं, 1, 2, 3 and 4 निट और। ये फंदे जो रह गए ये हम सारे सीधे बनाएंगे।
रो फोर रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब फिफ्थ रो है राइट साइड से, अब पहले हमने फोर स्टिच किए डिक्रीज, अब टू करेंगे, वन एंड टू, निट ऑल द स्टिच। दो फंदे हमने यहाँ पर घटाने हैं, उसके बाद सारे फंदे सीधे। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। राइट साइड से रो सेवन्थ डिक्रीज टू, अब फिर टू करेंगे, सेवन फोर टू टू। अब ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग रो है और ये सारे फंदे सीधे बन। अब एट्थ रो रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब फ्रेंड देखिए, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन और सिक्सटीन स्टिचेज आएंगे, ये हम शोल्डर पर रखेंगे। अब इसके बाद एक रो बनाएंगे हम, ये नाइन्थ रो है राइट साइड से, निट ऑल द स्टिचेस। रो टेंथ रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिच, ये नाइन्थ और टेंथ रो में हमने कोई भी स्टिच डिक्रीज नहीं किया। अब देखिए यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग ओवर होती है, उसके बाद हमारा ये 4.5 इंची शोल्डर हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम इसे क्लोज करेंगे, स्टॉप करेंगे, अब हम ये दूसरी साइड बनाएंगे। अब ये डिक्रीजिंग हमारी इस तरह से बन गई, नेक डिक्रीजिंग। अब हमने ये साइड बनानी है, इसके लिए अब हमने ये बटन पट्टी बनानी है और इसके जो नीचे से हमने ये स्टिचेस उठाने हैं। अब इसकी रॉन्ग साइड इस तरह से करेंगे, ये रो हमने इधर से बनाई हुई है और अब हमने वैसे इसकी ये रॉन्ग साइड रो है वो बनानी है। अब हमने स्टिचे उठाने हैं, देखिए कौन से स्टिचे उठाएंगे, एक यहाँ चेन के पास और ये वाले इस तरह से, ये स्टिच, ये इस तरह से ये वाले स्टिचेस हम उठाते जाएंगे और सेवन स्टिचेस हमने उठाने हैं। तो हम इसी नीडल से उठा लेंगे, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, यहीं तक हमारी बटन पट्टी है, सेवन स्टिचेज। और अब हम इधर थ्रेड अटैच करेंगे और ये स्टिचेज जो है बनाएंगे। अब ये थ्रेड हमने इधर नया लगाना है और फ्रेंड ये हमने थ्री जब डिक्रीज़ किए तो ये हमारी 24th रो थी और इधर से हमने 25th रो बनाई थी, ये इस साइड। अब ये हमारी 25th रो होगी और ये सारे फंदे जो हैं उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेज। ये हमने जो पिक किए हैं ये स्टिचेज भी उल्टे ही बनाने हैं और ये हमने सेवन स्टिचेस पिक किए हैं और ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। ये 25th रो रॉन्ग साइड से है। अब हमारी राइट साइड से 26th रो, तो देखिए यहाँ पर थ्री स्टिच डिक्रीज किए हैं, अब टू करेंगे, ये थ्री टू वन की शोल्डर कटिंग कर रहे हैं हम, वन एंड टू, और ये सीधे स्टिचेज बनाएंगे। यहाँ सेवन स्टिचेज बटन पट्टी के, उससे पहले हमने सारे फंदे सीधे बनाने हैं। अब ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन स्टिचेज रह गए। अब ये सिक्स स्टिचेज इनमें से उल्टे बनाएंगे, पर्ल सिक्स, और लास्ट वाला जो हमारा एज स्टिच है इसे हम इस तरह से स्लिप करेंगे। अब 27th रो रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट कर देंगे। अब 28th रो है और अब हमने वन स्टिच डिक्रीज करना है, ये राइट साइड से रो है और ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे लास्ट वाले सात फंदों से पहले,
सेवन स्टिचेस तक हम ये सारे सीधे बना लेंगे। अब ये बटन पट्टी के स्टिचेस सेवन रह गए, पर्ल सिक्स, छह फंदे उल्टे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, और ये वन स्लिप करेंगे। 29th रो रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब फ्रेंड्स हमने शोल्डर की तरफ से डिक्रीजिंग कर ली, अब कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, इसको हमने इसी तरह सीधा सीधा बनाते जाना है। जितना हमने ये वाला बनाया इतनी ही इसकी स्ट्राइप्स बना लेंगे, यहाँ से स्ट्राइप्स काउंट करेंगे, इतनी ही स्ट्राइप्स हम यहाँ पर बनाएंगे, उसके बाद इसकी नेक डिक्रीजिंग करेंगे। तो मैं इतना बना लेती हूँ। अब देखिए ये हमारी टोटल जो थी 16 स्ट्राइप्स बन गई थी, ये 14 के बाद हमने बटन होल बनाया था, उसके बाद फिर ये टू स्ट्राइप्स बनी थी, तो यहाँ पर ये 16 टोटल हो गई थी। अब यहाँ पर भी मैंने 16 स्ट्राइप्स बना ली, और अब हमारी रॉन्ग साइड से रो है, और अब हमने यहाँ पर नेक डिक्रीज करना है। और अब यहाँ पर हमने नेक डिक्रीज किया था जब राइट रो से राइट साइड से रो स्टार्ट की थी, और अब हमने यहाँ से करनी है जब हम लेफ्ट रो बनाएंगे, रॉन्ग साइड से रो बनाएंगे। तो ये हमारी लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर हम पहले करेंगे बटन पट्टी वाले स्टिचेस डिक्रीज, तो डिक्रीज सेवन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, ये बटन पट्टी के स्टिचेस हमने सारे क्लोज कर दिए हैं। और अब ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, और इसे हम रो वन करेंगे काउंट, रो वन रॉन्ग साइड से। अब राइट साइड से रो टू है, और देखिए ये सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं, निट ऑल द स्टिचेस। रो थर्ड रॉन्ग साइड से अब हमने फोर स्टिच डिक्रीज करने हैं, वन टू थ्री एंड फोर, अब सारे स्टिचेस उल्टे बना करके रो कंप्लीट करेंगे। अब ये राइट साइड है, रो फोर, निट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बनाएंगे। रो फाइव रॉन्ग साइड से दो का एक, फिर दो का एक, अब टू स्टिच डिक्रीज करेंगे, पहले सेवन किए, फिर फोर, फिर टू, अब ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो सिक्स राइट साइड से, निट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बना करके ये रो बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड से रो सेवन्थ, दो फंदे डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज टू, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। रो एट राइट साइड, निट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बना करके ये रो बना लेंगे। रो नाइन्थ रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। ये एट्थ और नाइन्थ रो में हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, ये रॉन्ग साइड से हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं, लेकिन अब हमने नाइन्थ रो में डिक्रीजिंग नहीं की। अब देखिए ये हमारी डिक्रीजिंग नेक की जो है ये कंप्लीट होगी दोनों साइड्स की। अब फ्रेंड देखिए ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया, और ये साइड भी हमारी अब बिल्कुल कंप्लीट है, और देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी ये फ्रॉक बन रही है। और फ्रेंड्स पार्ट टू वीडियो में इतना ही, अब आगे पार्ट थर्ड वीडियो में इसे बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट थर्ड वीडियो में।